सलमान खान की सबसे बड़ी फिल्म बनी रेस 3 रिलीज से पहले ही 350 करोड़ कमाई। कोई शक नहीं कि सलमान खान की फिल्म रेस 3 साल 2018 की सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल है। आखिर हो भी क्यों ना, आखिर ईद और सलमान की फिल्म एक दूसरे के पर्याय ही बन चुके हैं। बहरहाल ताज़ा रिपोर्ट्स की माने तो रेस 3 के निर्माता रमेश तौरानी ने फिल्म की राइट्स एरोज इंटरनेशनल को लगभग 190 करोड़ में बेच दी है। जी हाँ, 190 करोड़। यह सलमान खान की आज तक सबसे बड़ी फिल्म साबित हो रही है। बता दें, सलमान खान की पिछली फिल्म टाइगर जिंदा है की थिएट्रिकल राइट्स लगभग 130 करोड़ में बिके थे। सूत्रों की माने तो यशराज फिल्म्स, A9 स्टूडियो, एरोज इंटरनेशनल और फॉक्स स्टार स्टूडियो को रमेश तौरानी ने डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के लिए अप्रोच किया था, लेकिन एरोज ने 190 करोड़ की धमाकेदार डील सामने रखी जिसे शायद ही कोई निर्माता मना कर पाए। 2018 को देखा जाए तो फिलहाल रेस 3 और आमिर खान की ड्रग्स ऑफ हिंदुस्तान इस साल की सबसे बड़ी फिल्म है डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के अलावा। खबरों की माने तो रेस 3 की सैटेलाइट राइट्स के लिए एक चैनल ने 75 करोड़ का ऑफर दिया है, लेकिन निर्माता तैयार नहीं है। फिल्म की सैटेलाइट राइट्स को भी 140 करोड़ तक में बेचा जाएगा। लिहाजा साफ है कि रेस 3 रिलीज से पहले ही 300 करोड़ पार कमाई करने वाली है। टाइगर जिंदा है की सैटेलाइट राइट्स लगभग 70 करोड़ में बिके थे। वहीं जब सलमान का नाम रेस 3 से जोड़ा तो निर्माता रमेश तौरानी इस आंकड़े को डबल करना चाहते थे। सलमान से भी कुछ बातचीत के बाद उन्होंने 150 करोड़ पर फाइनल किया है। बता दें, फिल्म के प्रॉफिट से एक अच्छा खास दाम सलमान खान भी लेने वाले हैं। साथ ही सैटेलाइट राइट्स का भी कुछ प्रतिशत सलमान के हिस्से में जाएगा। फिल्म का प्रमोशन सही मायने में देखा जाए तो रेस 3 अब तक कोई खास क्रेज नहीं बना पाई है। टाइगर जिंदा है को लेकर जहां बेसब्री थी, वहीं रेस 3 को लेकर फैंस के बीच भी कोई उत्साह नहीं है। ऐसे में फिल्म के प्रमोशन के लिए जबरदस्त प्लानिंग की जा रही है। मार्केटिंग कैंपेन मई के पहले हफ्ते में ही फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया जाएगा, जिसके बाद उम्मीद है कि फिल्म थोड़ी क्रेज बढ़ाएगी। इसके बाद लगभग 40 से 45 दिनों का मार्केटिंग कैंपेन डिजाइन किया गया है। ईद पर रिलीज होने वाली इस फिल्म से बॉक्स ऑफिस को भी काफी उम्मीद है। खास बात है कि सलमान खान का नाम पहली बार रेस फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ा है। उनको इस अंदाज में देखना शायद फैंस के लिए सरप्राइज होगा। 3D फॉर्मेट पर रिलीज। अफवाहों की माने तो रेस 3 अब 3D फॉर्मेट पर रिलीज होने वाली है। फिल्म को 3D में बदलने का काम शुरू किया जा चुका है। बता दें, रेस 3 की शूटिंग अबू धाबी, थाईलैंड और श्रीनगर जैसी खूबसूरत जगहों पर हुई है। वहीं कई सारे जबरदस्त एक्शन सीन्स भी हैं, जिन्हें काफी बड़े स्तर पर शूट किया गया है। लिहाजा निर्माता दर्शकों को यह अनुभव 3D में देना चाहते हैं।